हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग बात करेंगे उसके प्रिंसिपल के बारे में, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे और वर्किंग के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? जो आज के हर जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, हर जो हम देखते हैं, फैन हो गया, मोटर हो गया, बहुत सारे, तो ये सब में इसका यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करते हैं, जैसे फैन की बात करें तो फैन क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और क्या करता है, ये इसमें जो मोटर लगा हुआ रहता है वो मूव करता है, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है रोटेशनल एनर्जी में। तो यही होता है मोटर के केस में। मोटर क्या करता है, मोटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या चीज में, मैकेनिकल एनर्जी में। जो ये प्रिंसिपल पर वर्क करता है, क्या है इसका प्रिंसिपल, कैसे वर्क करता है? तो क्या है, जब भी हम किसी भी कंडक्टर को क्या करते हैं, जब हम प्लेस्ड करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है उस पर फोर्स लगता है, यही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो देखते हैं क्या है, ए मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट पे ये वर्क करता है। क्या है, भेने रेक्टेंगुलर क्वाइल को क्या करते हैं, प्लेस्ड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या है, एंड करेंट इज द पास थ्रू इट, ए फोर्स एक्ट ऑन द क्वाइल विच रोटेट्स इट्स कंटिन्यूअसली। जो क्या होता है, कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, और इसी प्रिंसिपल के पर क्या है ए मोटर वर्क करते हैं। तो कौन सा प्रिंसिपल है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करेंट पे। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द मोटर की बात, तो मोटर है जो 5 कंपोनेंट से बना हुआ है। कौन कौन सा जो मेन कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक मोटर में, फील्ड मैग्नेट होता है, आर्मेचर होता है, बैटरी होता है, और स्प्लिट रिंग होता है, और ब्रशेस होते हैं। ये 5 कंपोनेंट से क्या होते हैं, बना हुआ रहते हैं। तो हम एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है, फील्ड मैग्नेट। जिस तो क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, तो जो फील्ड मैग्नेट होता है, वो फील्ड मैग्नेट में, जैसे यहां से बात की जाए, तो जो मैग्नेट है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर की बात, तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या है, एक क्वाइल है, देख रहे हैं, इसको आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, आर्मेचर बोलते हैं। ये जो मैग्नेट है, इसको क्या बोलते हैं, ये फील्ड मैग्नेट में एक क्वाइल को रखा गया है। और तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहला क्या है, फील्ड मैग्नेट। तो फील्ड मैग्नेट क्या होता है, कहता है कि इट इज ए स्ट्रॉन्ग हॉर्सू टाइप मैग्नेट विद कनकेव पोल्स। क्या होता है, हॉर्सू टाइप के मैग्नेट का हम यूज करते हैं। जो ये मैग्नेट आप देख रहे हैं, जो ये मैग्नेट को दिखाया जा रहा है, एक हॉर्स सूट शेप के होते हैं, ये हॉर्स सूट शेप के होते हैं, समझ रहे हैं, ये इस तरह से इधर भी रहता है। तो ये हॉर्स सूट टाइप मैग्नेट होते हैं जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में। और दूसरा क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर किसको कहते हैं, तो देखते हैं, इट इज ए रेक्टेंगुलर क्वाइल ABCD हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर ओंड ओवर द सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर, देखिए क्या होते हैं आर्मेचर। आर्मेचर एक तरह का रेक्टेंगुलर क्वाइल होते हैं जिसपे लार्ज नंबर ऑफ द टर्न्स होते हैं। जैसे क्या है, ये जो ABCD आप देख रहे हैं इसमें, इस फिगर में, ये क्या है, आर्मेचर होता है। किसका, इसका शेप्ड होता है रेक्टेंगुलर, एक सीट टाइप का होता है। इसके ऊपर क्या है, वायर का बॉन्डिंग किया जाता है, समझ रहे हैं, वायर का बॉन्ड किया जाता है। तो ये क्या था आपका, ये आर्मेचर हुआ, और ये क्या हुआ आपका, मैग्नेट हुआ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्या, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग होता है, स्प्लिट रिंग क्या होता है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, इसको स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर बोलते हैं। ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल मेटल रिंग स्प्लिट इनटू टू हाफ्स S1 एंड S2। क्या है इसमें, ये स्प्लिट रिंग से मतलब, एक क्या होता है सिलेंड्रिकल शेप्ड का होता है, और सिलेंड्रिकल शेप्ड में क्या होते हैं S1 एंड S2 दो क्या होते हैं रिंग लगा हुए थे, रिंग शेप्ड के होते हैं। दिखाते हैं आपको फिगर में किस तरह का स्प्लिट रिंग होते हैं, देख रहे हैं, ये स्प्लिट रिंग होते हैं, देख रहे हैं आप, रिंग टाइप के। एक सिलेंड्रिकल को क्या किया गया, सिलेंड्रिकल इस तरह का था, समझ रहे हैं, इसको टू भाग में कर दिया गया, दो भाग में इसको डिवाइड कर दिए, और एक को यहां लगा दिया गया, एक को यहां लगा दिया। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, करंट को रिवर्स कर देते हैं। और ये क्या है, ये डायरेक्ट क्या है, वायर से क्या है, बेल्ड किया हो रहा था, बेल्डिंग किया हो रहा था, अटैच होता है डायरेक्टली, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, कम्यूटेटर है, समझ गए। तो दो कम्यूटेटर का यूज किया जाता है, एक C1 है जिसका नेम हम C1 बोलते हैं, इसको C2 कर दिए हैं, समझ गए। तो दो कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का काम क्या है, आता है हमेशा एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कि क्या है फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग। द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द क्वाइल आफ्टर द एवरी हाफ रोटेशन। हमेशा हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर क्या होगा, हमेशा रिवर्स कर, जैसे C1 क्या होगा, C2 जो होगा C2 के
जगह चला जाएगा। और ये बी टू के साथ क्या होगा, बी टू और बी वन क्या है, ब्रशेस है, इसके बारे में भी देखते हैं। हम ब्रशेस के बात करते हैं, ब्रशेस क्या होते हैं, टू ग्रेफाइट और फ्लेक्सिबल मेटल रड मेंटेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विद स्प्लिट रिंग एस वन एंड एस टू अल्टरनेटली। क्या है अल्टरनेटली, क्या है यहाँ पे बी वन एंड बी टू दो को क्या है कार्बन रड्स होते हैं, ये इसी को ब्रशेस बोल रहे हैं। ये क्या है स्लाइड कॉन्टैक्ट रहते हैं किससे, ये इससे कम्यूटेटर से लगे हुए रहते हैं, समझ रहे हैं। तो ये कम्यूटेटर से क्या है लगा हुआ रहता है, तो ये सिर्फ इससे क्या है स्लाइड करते रहते हैं इस पे हमेशा ये मूव करने के बाद। और क्या है बैटरी रहता है लास्ट में, ये क्या है बैटरी, बैटरी क्या होते हैं बहुत सारे नंबर ऑफ द सेल से बना हुआ रहते हैं, बैटरी ऑफ फ्यू सेल इज कनेक्टेड टू द ब्रशेस, ये ब्रश से कनेक्ट रहते हैं। तो वर्किंग में हम क्या इस कंस्ट्रक्शन में क्या देखें, ये यू शेप्ड का मैग्नेट रहता है, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। दूसरा क्या है आर्मेचर है, जो एबीसीडी को क्या है आर्मेचर बोल रहे हैं। सी वन एंड सी टू क्या है कम्यूटेटर है, जो क्या करता है रिवर्स करता है डायरेक्शन ऑफ द करेंट को हमेशा हाफ रोटेशन के बाद। आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद हम क्या देखेंगे, कम्यूटेटर जो सी वन था वो बी टू ब्रश को कनेक्ट में आ जाएगा, सी टू जो है बी वन के ब्रश के आ जाएगा। तो ये आपका था क्या चीज कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बात किए हैं, और ब्रशेस है बी वन एंड बी टू, और ये आपका बैटरी है। कंस्ट्रक्शन में इतना सारा मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है। हम इसके वर्किंग पे जाते हैं, वर्किंग क्या है कैसे वर्क करता है इसके बाद हम बात करने वाले हैं। तो क्या होता है पहला जो पॉइंट हम बताने वाले हैं कि एज द करेंट फ्लोज थ्रू द कॉइल इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन ए बी सी डी एंड द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द आर्म्स ए बी एंड सी डी। देखते हैं कैसे होते हैं, देखिए यहाँ बात करने वाले हैं, इस फिगर को आप देखिए बहुत अच्छी तरह से। यहाँ से क्या होगा, इससे क्या है करेंट क्या है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से क्या है करेंट ये फ्लो कर रहा है, और इस तरह से फ्लो करते हुए क्या है वायर ए बी में जा रहा है, और इस तरह से फ्लो करते हुए ये करेंट का डायरेक्शन क्या हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सी डी से होते हुए बी टू ब्रश से होते हुए ये चला आ रहा है। तो क्या हो रहा है जब भी करेंट ए बी जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो क्या होगा जब भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है इधर है जो मैग्नेटिक फील्ड का, और करेंट एबव जा रहा है, तो क्या जानते हैं हम कि मैग्नेटिक फील्ड को कौन सा डोनेट करते हैं फोर फिंगर मिडिल फिंगर करंट को दिखा देखते हैं। तो क्या है मेरा जो करंट है क्या है इधर जा रहा है क्या है इस तरफ जा रहा है, तो फोर्स क्या है इसके अंदर में लग रहा है, समझ रहे हैं। तो फोर्स क्या है इनसाइड लग रहा है इस कॉइल पे फोर्स, समझ रहे हैं। उसी तरह सी डी कॉइल की बात की जाए तो सी डी कॉइल में क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसको क्या है फोर्स को निकालते हैं। तो इसमें क्या है यहाँ पर सी डी में क्या है करंट नीचे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है, इस पर फोर्स क्या आ रहा है ये जो ये है हमारा थंब है, ये थंब क्या बताता है ये थंब है जो क्या डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को बताता है। तो इस कॉइल पर फोर्स क्या लग रहा है अपवर्ड की डायरेक्शन में इस फोर्स को लग रहा है इस कॉइल पर, समझ रहे हैं। तो ये जो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं वर्क करते रहते हैं, क्या है कंटिन्यूअसली क्या है अपोजिट फोर्स अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं जो क्या है कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, जिसके कारण ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण क्या है इसको रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा किस तरह से इस तरह से रोटेट करेगा, इस रोटेशन का ये नीचे ले जाना चाहेगा इसको ऊपर ले जाना चाहेगा नीचे ऊपर, तो क्या डायरेक्शन क्या होगा इसके इसको क्लॉक वाइज होगा एंटी क्लॉक वाइज सॉरी एंटी इसका जो डायरेक्शन क्या होगा एंटी क्लॉक वाइज में मूव करते रहेगा। अब बात करें कि तो ये क्या है ये एक्सेल है, एक्सेल जिसके ऊपर ये मूव कर रहा है ये क्या है एक्सेल है, समझ गए ये एक्सेल है। दूसरा भाषा में इसको सेफ्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेफ्ट, समझ गए। तो ये क्या है जो बीच में एक्सिस है इसी को चारों तरफ क्या एंटी क्लॉक करेंट कैसे जा रहा है क्लॉक वाइज डायरेक्शन, देखते हैं क्या क्या एक पॉइंट करके। अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ए बी एक्सपीरियंस फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ए बी में क्या फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, बी सी डी सी डी में क्या फोर्स लग रहा है सी डी में एक्सपीरियंस है फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को देखा हम देखें। फिर क्या है द कॉइल ए बी सी एक्सपीरियंस टू पैरेलल इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स, द कॉइल रोटेट इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन अबाउट हिज एक्सिल, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में वो क्या कर मूव कर रहा है। उसके बाद क्या होता है जो स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग है जो क्या है सी वन एंड सी टू मूव अलोंग विद द क्वाइल, वो क्या होगा क्वाइल के साथ मूव करेगा, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं ये जो कम्यूटेटर है यहाँ पे सी वन एंड सी टू ये डायरेक्टली क्या होते हैं इससे कनेक्ट में रहते हैं वायर से डायरेक्टली क्या बेल्ड रहते हैं दूसरे से बेल्डिंग क्या हो रहा है। तो सी वन क्या होगा ये डायरेक्टली मूव करेगा सी, समझ रहे हो। तो क्या होगा सी वन एंड सी टू गेट एक्सचेंज, एक समय ऐसा होगा एक्सचेंज होगा सी वन इज नॉ इन टच विद द ब्रश बी टू एंड सी टू इज नॉ इन टच विद द ब्रश बी वन, एक समय ऐसा आएगा कि सी वन जो होगा जो सी वन ब्रश है ये क्या होगा बी टू से टच हो जाएगा, और सी टू ब्रश है जो बी वन से टच हो जाएगा, समझ रहे हैं। आफ्टर ए हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद
और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कहता है डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन द क्वाइल कंटिन्यू टू बी द क्लॉक वाइज डायरेक्शन, लेकिन करेंट का डायरेक्शन क्लॉक वाइज ही होगा क्योंकि ये क्या है बैटरी का है और बैटरी का क्या है कंटिन्यूसली करेंट देते रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। तो करेंट सीडी में जो होगा, हम सीडी में जो करेंट देख रहे हैं अब क्या है अपर डायरेक्शन में देख रहे हैं, और तो इस पे क्या फोर्स लगने लगेगा यहाँ पे डाउनवर्ड आफ्टर हाफ रोटेशन की बात कर रहे हैं, और ए बी पर जो करंट हो जाएगा नीचे जा रहा था उस समय ए बी पे हम करंट जो देख रहे थे जो शुरू में करंट देख रहे थे ए बी में क्या था ऊपर जा रहा था लेकिन यहाँ पर आफ्टर हाफ रोटेशन में ए बी पे करंट क्या हो जाएगा नीचे जाने लगेगा, समझ गए आफ्टर हाफ रोटेशन, क्योंकि क्योंकि ये क्या है रोटेट करने के बाद ये बी टू ब्रश से कनेक्ट में आ जाएगा सी वन और सी टू क्या है बी वन ब्रश कनेक्ट में आ जाएगा, करंट क्या है डीसी बैटरी क्या है डीसी है इसलिए क्या है करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में देते रहेगा। तो ये देखें हम उसके बाद क्या है डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द क्वाइल कंटिन्यू क्लॉक वाइज होगा बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द आर्म ए बी एंड सी डी हैज रिवर्स, रिवर्स क्यों हो रहा है देख रहे हैं ये भी पार्ट ऑफ द क्वाइल एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स, अब क्या होगा ये भी पार्ट जो क्वाइल है एक्सपीरियंस करेगा अपवर्ड फोर्स को और सी डी जो पार्ट है वो क्या करेगा एक्सपीरियंस करेगा डाउनवर्ड फोर्स को, एंड द क्वाइल कंटिन्यू इट्स एंटी क्लॉक वाइज मोशन, इस तरह से वो क्या है एंटी क्लॉक वाइज मोशन को क्या है कंटिन्यू रखेगा क्योंकि अब देख रहे थे अंडर द इफेक्ट ऑफ द अपोजिट इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस, ये अपोजिट इक्वल एंड द पैरेलल फोर्सेस ये जो फोर्स देख रहे हैं हम इस पर जो दोनों लग रहा है एक जो हम देख रहे हैं ये क्या जो दोनों फोर्स लग रहा है ये क्या है अपोजिट नेचर के हैं लेकिन फोर्स क्या है इक्वल लग रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम है करंट भी सेम है, तो इसलिए क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड सेम होने के कारण फोर्स भी सेम है करंट और अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये रेगुलरली मानने में क्या होगा ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमते रहेगा, एंड देयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द बैटरी हैज बीन कन्वर्टेड इन टू द कंटिन्यू मैकेनिकल रोटेशन ऑफ द क्वाइल, इसीलिए क्या कंटिन्यू मैकेनिकल रोटेशन ऑफ क्वाइल में ये घूमते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।